डर। ओए इतराना है काम किसी का, कोई बनेगा हीरो। पर पढ़ने की बात जहाँ है वहाँ है सारे जीरो। लेकिन अब ये मंत्र हमारा, हम चुनेंगे राह सही। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। रोज रोज अब जाके स्कूल, समझ में आई अपनी भूल। पढ़ लिख कर बन सकते हैं इस बगिया के हम भी फूल। हम किसी से भगवान जाने अब क्या होगा। ओए होए तू फिकर ना कर, जैसे अब तक सब ठीक हुआ है आगे भी सब ठीक होगा। पहले बात और थी, अब तो बाबूजी को बताए बिना आगे का काम कैसे होगा, उन्हें तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। ओए मेरा मन कहता है कि वो समझ जाएंगे, तू उन्हें बता कर तो देख। वो कभी नहीं मानेंगे, वो तो हमेशा से इसके सख्त खिलाफ है। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आजकल की लड़कियों के लिए तो ये आम बात हो गई है। ना गौरी ना, ये तूने क्या किया? तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। धीरे बोलो, क्या सारे गांव को बताओगे कि ये गौरी है? चुप करो। पर आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी आप लोगों को उम्मीद नहीं थी? नहीं, अभी तुम लोग बात कर रहे थे ना कि बात को छुपाना है, तो अब उनको वही उम्मीद नहीं थी कि तेरा भी कोई चक्कर होगा। पर कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना। ओए होए फिट्टे मुंह, कहीं तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ गौरी के पढ़ाई के बारे में बातें चल रही है, ना कि उसके चक्कर के बारे में। आप लोग क्या मुझे वैसी लड़की समझते हैं? अपुने अपुने, ये हरिया आपको कब बोला? इसका तो दिमाग पिक्चर देख देख के खराब ही हो गया है। मैंने कब बोला, वो तुमने ही तो। गौरी पर तुझे अभी अपने बाबूजी को बताने का क्या जरूरत है? जैसे अब तक छिप छिप के आती रही हो, वैसे आगे भी आने का अपन लोग किसी को नहीं बताएगा। नहीं भैया, पहले बात और थी, अब तक तो मैंने किसी तरह से भी 10वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई मैं स्कूल जाकर करना चाहती हूँ। पर वो बाबूजी को बताए बिना कैसे होगी, उन्हें तो बताना ही होगा ना। मगर एक बात समझ में नहीं आई, बचपन में तुम्हारे बाबूजी ने खुद स्कूल भेजकर पढ़वाया, तब तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। भैया वो मानते हैं कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लगता है उसका इंजन खराब हो गया है। रामलोचन जी, बड़ी जल्दी से मुंह छुपा ले, कहीं रामलोचन जी देख ना ले। अरे आज तो आप लोगों की छुट्टी है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बस ऐसे ही। आप क्या कहीं जा रहे हैं? हाँ वो मैं किताबें देने जा रहा हूँ, जो लोग सीसी में आकर लाइब्रेरी का फायदा नहीं उठा पाते हैं उनके लिए मैं खुद ही लाइब्रेरी घर ले जाता हूँ। ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा। ये वो ओम प्रकाश जी है ना, उनकी छोटी बहू है। अच्छा अच्छा, बेटी वो तुम्हारी शादी में मैं यहाँ था नहीं, इसलिए आ नहीं सका था। और घर पर सब कैसे हैं? अच्छी, सब ठीक है। अभी मुझे तुम्हारे घर भी जाना है, तुम्हारे जेठ जी को किताब भी देनी है। वो किताब आप इसी को दे दीजिए ना, घर जाते टाइम ले जाएगी। अरे नहीं, इसी बहाने ओम प्रकाश से मुलाकात भी हो जाएगी। घर पे तो कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, आप ये किताब मुझे दे दीजिए, आपका समय बचेगा। चलो कभी फुर्सत में आऊंगा। अच्छा बेटी, ओम प्रकाश से मैंने नमस्ते कहना। जी। बाप रे बाप, गौरी तू तो बाल बाल बच गई। गौरी तो बाल बाल बच गई, मगर हम लोग फंस गए। वो देखो मैडम साहब आ रही है। मैडम साहब से डरते हैं क्या? नहीं, वो कल ना हरिया आप उनको क्लास से भगाकर पिक्चर दिखाने ले गया था, वो मैडम को पता चल गया। नमस्ते मैडम साहब। नमस्ते भाई, कैसी हो तुम लोग? ठीक हैं। और गौरी तुम बताओ, तुमने अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मैडम साहब हम दोनों अभी यही बात कर रहे थे, लेकिन मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गौरी तुम घबराओ मत, तुम पढ़ाई में इतनी तेज हो कि भगवान तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करेंगे। मैडम मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा? लेकिन मैं ऐसा कर पाऊंगी मुझे नहीं लगता। तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई जरूर पूरी करवाएंगे। और अभी तो मैं और मिस्टर पाटंकर कहीं बाहर जा रहे हैं, शाम को आकर इसका हल जरूर निकालेंगे, ठीक है? जी मैडम साहब। हरिया संतरम बाहर आ जाओ, मैडम साहब चली गई। हरिया संतरम। अरे ये लोग कहाँ चले गए?
अभी तो यहीं थे। शायद मैडम साहब से डर के भाग गए होंगे। अरे ये तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। चल गौरी हम घर चलते हैं। लगता है आज बारिश होगी, बादल तो काफी घने हैं। ब्रज मोहन जी अभी से मत सोचिए कि बारिश होगी। लगान पिक्चर देखी है आपने? बादल आता देखकर चंपारण गांव वालों ने पूरा गाना गा दिया, मगर बारिश बिना बरसे चली गई। भैया तुम फिल्मों को हर बात में ढकेले बगैर बात नहीं कर सकते हो। पिंकी देखो तो वो बाबूजी बैठे। अरे ब्रज मोहन काका यहाँ कहाँ से आ गए? चुपचाप निकल चलते। पिंकी सुनो, कहाँ जा रही हो? देखो आज ब्रज मोहन काका कितने दिनों बाद यहाँ आए। नमस्ते काका, आज हम जरा जल्दी में हैं, फिर मिलेंगे। अरे पिंकी तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, ऐसे घबरा रही हो जैसे बाप से छुपकर फिल्म देखने गई हो और बाप खुद बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। वैसे यहाँ बाप है कौन? अरे पिंकी तुम्हारे साथ ये कौन है? वो ओम प्रकाश जी की छोटी बहू है। अच्छा अच्छा, तो तुम संजय की पत्नी हो? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? सुमन, सुमन ही है ना? बेटी मुझे पहचाना? पहचाने की कैसे नहीं, रोज ही तो दिखती है। वो इसका कहने का मतलब है कि आसपास ही रहते हैं ना, तो रोज दिखती होगी। अच्छा अच्छा, बेटी अपनी शादी में तुमने मुझे जरूर देखा होगा। जी जी हाँ देखा था। अरे ब्रज मोहन जी अच्छा हुआ आप यही मिल गए, मैं तो आप ही के घर रजिस्ट्री देने जा रहा था। चलिए अच्छा है, आपका समय बच गया। लाइए कहाँ लगाना है अभी? धन्यवाद बेटा। जोजो जरा देखियो इसमें क्या लिखा है। अरे काका पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो बिना पढ़े बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। काहे को लंतरानी मार रहा है, पढ़कर बताना जल्दी। मुझे छूने से ही लग रहा है कि इसमें कोई बहुत ही बुरी खबर है। कोर्ट का ऑर्डर लगता है। कोर्ट? मैंने क्या किया? हाय राम, वो पिछले महीने रामदीन की सुरती गिरा दी थी, कहीं उसने तो मुकदमा नहीं छूट दिया? अरे काका मैं तो मजाक कर रहा था, बधाई हो आपका लोन मिल गया है। अच्छा, अरे वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर एक मिनट, इसमें लिखा है कि लोन तभी मिल सकेगा जब आप ये फॉर्म सोमवार यानी परसों तक हेड ऑफिस भेज देंगे, क्योंकि योजना की आखिरी तारीख तो सोमवार का ही है। पर अगर इसे कल भी भेजते हो तो भी तो वक्त पर ही पहुँच जाएगा। नहीं नहीं, इसे आज शाम तक ही भेजना होगा, नहीं तो ये वक्त पर नहीं पहुँच पाएगा। क्यों, ये हरिया का दिमाग है जो धीमे चलेगा? ओए होए नहीं, कल इतवार की छुट्टी है, पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा। अरे पर आज शाम तक मैं भेजूंगा कैसे, इसे भरेगा कौन? मुझे तो कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो इसमें कौन सी मुश्किल की बात है, ये फॉर्म मैं भर दूंगा। देखा अपना जोजो कितना होशियार है। वैसे ब्रज मोहन जी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, हम फोन कर देंगे और हेड ऑफिस वाले आपके फॉर्म का इंतजार कर लेंगे। बक्कन गुरु कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना, मैं ये फॉर्म मिनटों में भर दूंगा। नहीं भर सकता, तुम ये फॉर्म नहीं भर सकते। मगर क्यों, मैं फॉर्म तो भर सकता हूँ। अपन बोला ना तुम ये फॉर्म नहीं भर सकते। संतरा भैया मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, मेरी बात मानो। अरे अपन बोल रहे ना तुम ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम्हें मम्मी बुला रही है। हाँ तुम्हें मम्मी बुला रही है, तुम्हें देर हो जाएगी, घर जाओ। आपसे गलती हो रही है, मम्मी मुझे नहीं बुला रही। आप भी तो भूल गए, वो और किसी और की होगी। अपन ने अभी आवाज सुना, तुम्हें मम्मी बुला रही है, तुम लोग ने सुना है ना? हाँ देखो सब ने सुना है। आपसे गलती हो रही है, मम्मी बुआ जी के घर गई है, आप भी तो छोड़ के आए थे। हाँ अपुन ही तो छोड़ के आया था। हो सकता है कि वो वापस आ गई हो। हाँ हो सकता है, वो शाम से पहले नहीं लौटने वाली। पर अभी अपुन ने आवाज सुना है, हो सकता है वो वापस आ गए हो। फिर तुमने होमवर्क भी तो नहीं किया, आज तुम्हारी खैर नहीं। हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं था। बिजमोहन जी आप ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ कि मम्मी आ गई कि नहीं। यूं गया और यूं आया। जो जो बाबा रुको, अपुन भी तुम्हारे साथ आता है, तुम्हारी तरफ से कोई बहाना लगा देगा। अरे
जो जो तो गया, अब ये फार्म कौन भरेगा? ओए होए, यहीं तक तो गया है, आकर अभी फॉर्म भर देगा। अच्छा ये ठीक है, हमारी बात मानिए तो जोजो का इंतजार मत कीजिए, पता नहीं कितनी देर लगे। हाँ ये भी ठीक रहेगा। ओए होए, कितनी देर से क्या मतलब है, यही तो देखने गया है कि मम्मी आई है कि नहीं, अभी आ जाएगा। बात तो ये भी सही है, पर इंतजार करने का क्या फायदा, हम चलकर मैडम साहब या सर साहब से फॉर्म भरवा लेते हैं। अरे हाँ बात तो ये भी सही है। ओए होए, ढक्कन गुरु कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेचारे बच्चे का दिल टूट जाएगा, कितनी प्यार से रुकने को कह गया है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओहो, जो जो को तो हम बाद में समझा देंगे, हम उसके लिए चॉकलेट ला देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे वो कुछ नहीं, हमने सोच लिया है क्या करना है। आइए ब्रजमोहन जी, हम सर साहब और मैडम साहब के पास चलते हैं। चलो चलो भैया चलो। पिंकी तुम उन्हें रोक क्यों रही थी? ओए तुझे ये भी समझ नहीं आया? नहीं हरिया भैया, पिंकी उन्हें इसलिए रोक रही थी ताकि इनकी वो तरकीब कामयाब हो जाए। ओ अच्छा अच्छा, वैसे तरकीब क्या थी? ओए होए, देख अगर हम गौरी के बाबूजी को वो लोन का फॉर्म भरने से रोके रखेंगे तो गौरी जो उनके लिए सुमन है आखिर में वो फॉर्म भर देगी और उनका दिल जीत लेगी। तो ऐसे बोलो ना कि फिल्म किसी से ना कहना कि कहानी दोहरानी है, कोई और बनकर दिल जीतने की बात। गौरी तुम्हारे बाबूजी और ढक्कन कहाँ गए, कहीं ढक्कन गुरु ने अपन के प्लान पर ढक्कन तो नहीं लगा दिया? वो गए हैं सर साहब और मैडम साहब के पास अपना फॉर्म भरवाने। क्या बात कर रहे हो, वो यहाँ फॉर्म भरवाने के लिए गए और तुम इतने मजे से खड़े हो? इसमें इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है, सर साहब और मैडम साहब शाम से पहले नहीं आने वाले। शुक्र है, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे संतराम तूने जोजो को सब समझा तो दिया है ना? एकदम झकास, फुल टू सेटिंग करके आऊं, जोजो कल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। पर एक बात तो हमने सोची नहीं, बाबूजी को जब यहाँ सर साहब और मैडम साहब नहीं मिलेंगे तो फिर वो अपना फॉर्म भरवाने के लिए किसी और के पास चले जाएंगे, हम तब उन्हें कैसे रोकेंगे? अब है ना, तुम बस हम पर भरोसा रखो। तेरे पे भरोसा रखेगी तो इसका बैंड बज जाएगा। मुझे चैलेंज मत दे वरना तेरा वही हाल करूंगा जो लगान फिल्म में आमिर खान ने अंग्रेजों का चैलेंज करने पर किया था। ओए ओए, तुम लोगों को तो भगवान ने एक ही जगह भेज के बहुत ही गड़बड़ कर दी है। बाबूजी आ गए, अब देखना मैं क्या खेल दिखाता हूँ। अंदर हमेशा खेल दिखाने में लगा रहता है। काका फॉर्म भर गया? अरे कहाँ बेटा, सारा केंद्र छान मारा पर पाटनकर साहब और मैडम का कहीं कोई पता नहीं है। ओए होए, इस ढक्कन गुरु के चक्कर में तो मैं बताना ही भूल गई कि सर साहब और मैडम साहब बाहर गए हुए हैं, वो शाम से पहले नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आप हमारे चक्कर में भूल गई, जब ध्यान कहीं और रहेगा तो और क्या होगा? ओए, आप मेरे ध्यान की बात मत करिए, पिंकी का ध्यान कहीं नहीं पड़ता, वो जोजो को लेकर किसने बहस शुरू की थी, किसने सर साहब को ढूंढने की जल्दी मचाई थी और वो मेरी बात बीच में किसने काटी थी? ओए होए, बोलो बोलो। तुम तो हुजूर में लगने लगे। अरे मैं गलती किसी की नहीं है, बात करते हैं। अच्छा बेटा संतराम, ये जोजो कहाँ गया, बहुत देर हो गई, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। काका काय को खाली पीली टेंशन लेते हो, होमवर्क करने बैठ गया होगा, थोड़ा इंतजार कर लो अभी आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो किसी को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे तुम भी तो पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, तुम क्या फार्म भरोगे? ढक्कन गुरु, मैं वो हीरा हूँ जिस पर अभी किसी जौहरी की नजर नहीं पड़ी है, जिस तरह शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना में किसी ने कदर नहीं जानी थी, वैसे ही तुमने अभी तक मेरी कदर नहीं जानी है। फॉर्म मैं 2 मिनट में भर दूंगा। पर बेटा तुम, अरे काका आप कुछ मत सोचो, आप बस आ जाओ। आओ काका अभी फॉर्म भर के दिखाता हूँ। चलो बेटा। क्या फॉर्म भरूंगा चाचा, आप देखते ही रह जाओगे। अब मेरे बाबूजी का काम कैसे होगा? क्या कहा, अभी सुमन ने ब्रजमोहन जी को बाबूजी कहकर पुकारा। हमने तो नहीं सुना। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरे क्या कान बज रहे हैं? पिंकी ने ऐसा कब बोला, वो तो ऐसा बोली कि तुम्हारे कानपुर का फ्यूज उड़ेला है, समझता नहीं है यार। ठीक है,
अभी अभी मैंने सुमन को किसी को बाबूजी कहते सुना। बाबूजी किसे कहा? अब वो तो मैं अपने पिताजी की बाबूजी की बात कर रही थी। अब मुझे उनकी बहुत याद आ रही है ना, इसलिए। अब तुम तो अपने पिताजी के किसी काम की बात कर रही थी ना, कौन सा काम? अब मैं वो बात कर रही थी कि जब मैं वहाँ पर थी उनके सारे काम मैं ही किया करती थी, अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो उनके काम कौन करता होगा? अभी ही तुमने उनकी बात क्यों की? कल ही तो मैं गांव से आई हूँ। लेकिन नेता ही अच्छे थे, देखा जासूस बनने से क्या हुआ? बेटा हरिया, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा फार्म भर दोगे। हाँ काका, भर तो रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पर बेटा अभी तो तुमने एक शब्द भी नहीं लिखा। काका मुझे अभी अभी तो पता लगा है कि इसमें भरना क्या है। क्या पता लगा है? देखो काका, ये पहला खाना नाम का है। अच्छा, कैसे पता चला? अरे सबसे पहला खाना नाम का ही होता है। मेरे चाचा जी के फॉर्म में भी सबसे पहले नाम ही भरा गया था। अच्छा बेटा, तुम्हारे चाचा ने किस चीज का फॉर्म भरा था? अरे काका, फॉर्म मेरे चाचा ने नहीं भरा था, फॉर्म तो मुर्दा घर के इंचार्ज ने भरा था, चाचा तो सिर्फ मरा था। बेटा ये मरने का फॉर्म नहीं है, जरा देख के ध्यान से भरना। काका हर एक फॉर्म में सबसे पहला खाना नाम का ही होता है। अरे फिल्मों में भी तो दिखाते हैं कि जब आप थाने में कंप्लेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले नाम भरना होता है, फिर उसके बाद बाप का नाम। बेटा देखो, गलत मत समझना, पर तुम पढ़े लिखे तो हो ना। क्या बात कर रहे हो काका? अरे सबसे पहले मैंने राजा बाबू से सीखा, उसके बाद तेजाम में माधुरी दीक्षित से, एक से लेकर गिनती से, उसके बाद पूजा भट्ट से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। तूने मेरा जिया ले लिया, मैंने जब किया वही तू। बड़ी देर हो गई, ब्रिजमोहन जी अभी तक नहीं आए। तुम तो हरिया को जानते हो ना, लगा होगा किसी पिक्चर की कहानी सुनाने में। लो काका आ गए। क्या हुआ ब्रिजमोहन जी, अब फार्म भर गया क्या? थोबड़े पर तो कुछ और ही लिखेला है। क्यों काका, क्या हुआ? हरिया ने फॉर्म तो भर दिया ना। अरे हरिया किसी काम का नहीं है, फार्म अभी बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, कुछ नहीं भरा। पर हरिया ने तो कहा था कि वो फार्म भर देगा, फिर क्या हुआ? सत्यानाश हुआ, सत्यानाश। अरे उसे कुछ नहीं आता, उसके चक्कर में मेरा इतना समय और खराब हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। होने का क्या है, अपुन है ना काका, आप ये फॉर्म अपुन को दे दो और भूल जाओ, अपुन ये फॉर्म भर देगा। ये आज क्या हो रहा है, पहले हरिया फिर संतराम, एक हम ही है क्या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते? इतना मत सोच, तू सोचता हुआ अच्छा नहीं लगता, बस चुप रह और तमाशा देख। चलो काका। बेटा तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि तुम ये फार्म भर सकते हो? काका ऐसा कोई काम नहीं जो अपुन नहीं कर सकता। चलो ठीक है बेटा, तुम्हें भी आजमा लेते हैं, आगे जैसी भगवान की मर्जी। चलो अभी देखो काका, इधर तुम्हारा नाम लिखेंगे और इधर उम्र लिखेंगे। पर बेटा उम्र के लिए ये खाना कुछ बड़ा नहीं है, दूर दूर लिखने का है। काका अपन को सब मालूम है, सभी जगह ऐसे ही छोटा है। सभी जगह यानी? देखो काका, गाड़ी जब गैराज में जाती है ना तो सबसे पहले पूछते हैं इसका मॉडल क्या है, फिर पूछते हैं कितनी पुरानी है। अब मॉडल बोले तो तुम्हारा नाम, कितने पुराने बोले तो उम्र। देखा
अरे मेरी नैया तो वैसे ही डूबी हुई है, तुम इसे और क्यों डुबा रहे हो? नैया बोले तो? बोले तो चुप, अब एक शब्द भी मत बोलना, जय राम जी की। पता नहीं काका को क्या हुआ, मैं उनका फॉर्म भर ही रहा था कि वो अचानक उठकर चले गए। जरूर तूने कुछ मस्करी की होगी, इसलिए कहता हूँ इतनी फिल्में मत देखा कर, दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है। अरे लो काका आ गए। क्या हुआ ब्रजमोहन जी, भर गया फॉर्म? मेरी शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? अब क्या हुआ? अरे वो ही हुआ जो पहले हुआ था, सत्यानाश। मैंने तो पहले भी कहा था ये फॉर्म सिर्फ मैं भर सकता हूँ, आप ही मुझे। ओए होए, ये सब कोई काम का नहीं है, आप मुझे फॉर्म दीजिए, मैं भर देती हूँ। नहीं पिंकी, हीरो ही सारे काम करता है, फॉर्म मैं भरूंगा। ना ना मैं नहीं, तुम जिद मत करो, फॉर्म मैं भरूंगा। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों, तुम सब किसी काम के नहीं हो। तुम लोग मुंह पे ताला मार के काय को बैठे हो? अरे रामलोचन जी, रामलोचन जी, रामलोचन जी, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आएंगे। क्यों भाई, यहाँ क्या चल रहा है? अजी बस ये मेरा लोन सैंक्शन हो गया है, ये फॉर्म भरना है। बहुत अच्छी बात है ये तो। सोमवार को इसकी आखिरी तारीख है, आज शाम तक अगर ये नहीं भेजा गया तो मेरा लोन किसी और को दे दिया जाएगा। अब तो बहुत वक्त हो गया, अब तक भरा क्यों नहीं? अजी क्या बताऊं, जब से ये मिलाए से लिए लिए घूम रहा हूँ पर अभी तक भरा ही नहीं गया। चलो अब तो मैं आ गया हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं भर दूंगा ये फॉर्म। क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे भरेंगे? क्या मतलब, हाथ से भरूंगा और कैसे भरूंगा? नहीं मेरा मतलब है आप सुबह से निकले होंगे, अभी तो आप थक गए होंगे, सांस भी नहीं ली आपने। पहली बार ये ड्राइवर सही बात कर रहा है, आप थोड़ी देर आराम करिए, फॉर्म तो बाद में ही भरा जाएगा। अरे नहीं, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे लिए इतनी चिंता करते हैं, लेकिन ये फॉर्म भरना ज्यादा जरूरी है, आराम तो बाद में भी हो जाएगा। ओए होए, मैं कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। रामलोचन जी एक बात तो बताना मैं आपको भूल ही गई। क्या बताना भूल गई? वो अपने ज्ञान सागर जी है ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो सुबह उनके घर से एक आदमी आया था जब आप नहीं थे ना तब, आपको बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओए होए, पिंकी इतनी जरूरी बात और बताना भूल गई? सॉरी रामलोचन जी। रुजमोहन जी माफ कीजिएगा, मैं आपका ये फॉर्म अभी नहीं भर सकता, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, माफ कीजिएगा। हे भगवान, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? पहले जो जो गया और अब रामलोचन जी। मैं आ गया। बेटा जो जो, जो जो बेटा, मेरा बच्चा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्यों रे संतरा, तू तो कह रहा था जोजो नहीं आएगा, अपन तो फुल की सेटिंग करके आया था। ले बेटा अब ये मेरा फॉर्म जल्दी से भर दे। काका मैं नहीं भर सकता, ये देखो। ये क्या हुआ? क्या बताऊं, जब मैं घर गया तो मैं देखा था कि मम्मी आ गई थी, फिर उन्होंने मेरे को खूब डांटा, अरे होमवर्क कराने बैठा दिया। अरे होमवर्क कैसा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने किसी तरह होमवर्क खत्म किया, आपका काम भी तो करना था। मैं सब कुछ रखा और कमरे से बाहर निकला, फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इसकी कहानी तो कभी खुशी कभी गम की तरह खत्म ही नहीं हो रही। यार क्लाइमेक्स पे पहुंचे हैं। मैं क्या कह रहा था, हाँ याद आया, फिर जैसे मैं सीढ़ियों से उतरने लगा मेरा पैर स्लिप हो गया और मुझे चोट लग गई। हे भगवान, अब मेरा फॉर्म कौन भरेगा? लो मुझे इतनी चोट लगी है और इन्हें अपने फॉर्म की पड़ी है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा एक ही तो सपना था कि मैं अपना कोई काम धंधा शुरू करूं, और अब जब वो सपना पूरा होने का समय आया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बस सब कुछ बर्बाद। बस बहुत हो गया, उससे अब और नहीं देखा जाता। देखिए आप सब लोगों ने मेरे बाबूजी की क्या हालत कर दी है, भाड़ में जाए आप सबका ये नाटक। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? बाबूजी, अब मैं और नहीं छिपा सकती आपसे,
बात ये है कि मैं यहाँ बहुत समय से पढ़ने आती हूँ और मैंने यहाँ से 10वीं तक की पढ़ाई भी प्राइवेट कर ली है और आगे की पढ़ाई के लिए मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन आप तो इसके सख्त खिलाफ हैं, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना आपको मनाने के लिए ये नाटक रचा जाए। पर बाबूजी, अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। लाइए ये फॉर्म दीजिए, मुझे ये फॉर्म भरने दीजिए बाबूजी, अब दीजिए। ओह, तो ये सब भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, हैं? तुम सब लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हैं? मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। बाबूजी, आप जितना मर्जी गुस्सा हमें कर लीजिएगा, लेकिन अभी अभी आप मुझे ये फॉर्म भरने दीजिए। देखिए ना, समय निकलता जा रहा है, दीजिए। ऐसे टाइम में हमेशा फिल्मों में हीरोइन के बाप को हार्ट अटैक आता है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है, जबकि तुम जानती हो कि मैं लड़कियों की पढ़ाई के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। क्यों ब्रिजमोहन जी, आप लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ क्यों हैं? आप अपने काम के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला सकते हैं, लेकिन घर पर पढ़ी लिखी लड़की का होना पसंद नहीं करते। ये कहाँ की समझदारी है? काका, तुमको तो इस पर गर्व होना चाहिए। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बाबूजी, अगर हम झूठ नहीं बोलते तो क्या आप हमारी बात समझते? और हाँ ब्रिजमोहन जी, हम आपसे बात करने आने ही वाले थे, क्योंकि गौरी पढ़ाई में इतनी तेज है कि कोई नहीं चाहता इसका भविष्य बिगड़े। बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आपका दिल दुखा है, पर ना बाबूजी, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। मुझे नहीं बनना डॉक्टर वॉक्टर, नहीं बनूंगी मैं डॉक्टर। बात तो तुझे अब मेरी माननी ही पड़ेगी। मैडम, इसकी आगे की पढ़ाई का जो भी खर्चा हो आप मुझे बताइए, मैं करूंगा। इसकी फीस फीस जो भी देनी हो वो मैं दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ओ बाबूजी, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। हम सब तो गए। मैंने कुछ नहीं किया, एक सबने वो कहा था। मैंने कुछ नहीं किया, एक सबने कहा था। मेरा फैसला है कि कल से मैं भी आप लोगों के साथ सीईसी पढ़ने जाऊंगा। हम किसी से कम नहीं। उर्दू सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है। अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है।